अच्छा अब ये जानने की जरूरत पड़ गई कि बताओ सत्य किसे कहते हैं। हमें सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए, हम सत्य के आसन पर बैठे हैं, पर ये बताओ सत्य कहते किसे। अब बताओ इस संसार में सत्य क्या है, पूरे संसार जल्दी से बताओ सत्य क्या है। दादाजी बताएंगे आप सत्य क्या है, सत्य क्या है, हाँ परिवार है, सत्य क्या है, हाँ झूठ कपट, सत्य क्या है मैया, सत्य क्या है, आप बताओ सत्य क्या है। हाँ सत्य क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या है, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, हो सत्यम शिवम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम। तो सत्य क्या है, जोर से सत्य क्या है, सत्य है ईश्वर, सत्य है राम, सत्य है भगवान, उमा कहा हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत्य ईश्वर है ये संसार सत्य। मैया ओ मेरी प्यारी मैया, ये संसार सत्य है, आप सत्य हो, आप सत्य नहीं, आपका परिवार सत्य नहीं, आपका व्यापार सत्य नहीं, ये संसार सत्य नहीं, नदियां समुद्र पहाड़ सत्य नहीं, क्योंकि सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ बदल रहा है। माना कि कोई धीरे धीरे बदल रहा है, कोई जल्दी बदल रहा, पर संसार परिवर्तनशील है, और जो परिवर्तनशील होता है, जो बदलता है वो सत्य नहीं होता, और जो सत्य होता है वो बदलता नहीं है। आप ही बताइए ना, बताओ सच बदलता है कि झूठ बदलता है। सच कभी नहीं बदलता, सच तो तब भी वैसे ही था, आज भी वैसे ही और आगे भी वैसे ही। झूठ, आप लोग बचपन की फोटो देखना अपनी, और आप अपनी आज की फोटो देखना, तो आपके बचपन की फोटो में और आज की फोटो में आपको जमीन आसमान का अंतर मिल जाएगा। मतलब आप बदल रहे हैं, और झूठ बदलता है साहब, सच नहीं बदलता कभी, सच तो सदा है। इसलिए हम सब झूठे हैं। हाँ मेरी माँ आप कैसी हो मैया, हमारी मैया जब गुस्से में आती है ना तो क्या बोलती, झूठी कहीं की, सही कहती है वो, तो झूठी है, और तू ही क्या, सब झूठे हैं, हम भी झूठे, तुम भी झूठे, संसार झूठा है साहब। इस झूठे संसार में रहकर आप लोग कहते हैं महाराज जी हमें सुख चाहिए, हमें सुख चाहिए, आपको तलाश किसकी है सुख की। जितने लोग यहां बैठे हैं या जितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, आप सुख की तलाश छोड़ दीजिए और भगवान की तलाश में लग जाइए। जो ईश्वर की तलाश में है बस वही सुखी हैं, और जो सुख की तलाश में है ना उनके जीवन में सुख है ना आनंद है ना भगवान। इसलिए सुख को मत तलाशिए, ईश्वर की तलाश में निकलिए। और ईश्वर को भी तलाशना कहां है, ईश्वर सत्य है तो उसे कहां तलाशें हम जाकर, बताओ भगवान को कहां तलाशें मैया, ईश्वर को कहां तलाशने जाएं, कहां मिलते हैं वो, कहां मैया कहां तलाशें, बताओ ईश्वर को कहां तलाशें, आप बताओ। हां मैया आप बताओ भगवान को तलाशने कहां जाएं,
ओ मेरी माँ, कहाँ तलाशे मेरी माँ? जोर से और जोर से। आजकल का आदमी ना बाहर तलाश रहा है, बाहर तलाश रहे हैं आप, गलत हैं। अच्छा आप एक बात बताइए, आप ट्रेन में तो बैठे होंगे, तो ट्रेन में जो विंडो सीट होती है ना, जिस तरफ खिड़की होती है उस तरफ ज्यादा लोग बैठना चाहते हैं? ज्यादा लोग क्या सब लोग बैठना चाहते हैं? वो सबको भले ना मिले, पर भाव तो सबका होता है कि मैं खिड़की की सीट में बैठूं, खिड़की के पास बैठूं। ये बात सही है या गलत है? हर आदमी खिड़की के पास क्यों बैठना चाहता है, इसका उत्तर कौन देगा? ट्रेन हो या फ्लाइट हो, आप फ्लाइट में यात्रा करेंगे ना, तो फ्लाइट में जो विंडो की सीट होती है वो सीट की कीमत ज्यादा होती है। यदि आप उसे बुक कराएंगे तो उसके चार्ज ज्यादा देने पड़ेंगे। फ्लाइट में विंडो सीट यदि आप पहले से बुक करा रहे हैं तो आपको उसके चार्ज पहले से ज्यादा देने पड़ेंगे। बताओ, हर व्यक्ति ट्रेन में बैठता है, बस में बैठे तो भी वो खिड़की वाली सीट में बैठना पसंद करता है। बस में बैठे तो खिड़की की तरफ, ट्रेन में बैठे तो खिड़की की तरफ, और एरोप्लेन में बैठे तो खिड़की की तरफ। मतलब हर आदमी, 100 में से 99 व्यक्ति खिड़की की तरफ बैठना पसंद करते हैं। बताओ क्यों? फटाफट उत्तर दो। हाँ, क्योंकि आज का आदमी बहिर्मुखी हो गया है, वो बाहर देखना चाहता है। काश बाहर की जगह वो भीतर देखता तो आनंद में डूब जाता, लेकिन आनंद तब तक नहीं है जब तक दृष्टि बाहर है। दृष्टि भीतर हो जाए तो जो सुख तुम बाहर देखना चाहते हो, ऑलरेडी वो सुख आपके भीतर समाया हुआ है। वो सुख भीतर से प्रकट हो सकता है, पर आप बाहर देखना पसंद करते हैं। आप फिर भी दुखी हैं। आप दुखी क्यों हैं? क्योंकि आप अभी अपने जीवन में बाहर देख रहे हैं। आप अपनी गृहस्थी की गाड़ी में भी तो विंडो वाली सीट में बैठे हैं, खिड़की वाली सीट में बैठे हैं। आप कहां देख रहे हैं कि मेरा पड़ोसी कैसा है? आप कहां देख रहे हैं मेरी पड़ोसन कैसी है, मेरे रिश्तेदार कैसे हैं, मेरा वो कैसा है? आप ये कभी नहीं देखते कि मैं कैसा हूं। इसका मतलब आप भी गृहस्थी की गाड़ी में बैठे तो हैं, लेकिन बैठे विंडो वाली सीट में देख रहे हैं दूसरों को। यदि दूसरों की अपेक्षा कभी अपने पर नजर डाली होती तो आप क्या से क्या हो गए होते मेरी माँ। क्या करें, नजर बाहर बहुत। इसलिए कहता हूं, बाहर ना देखा करो मेरी माँ। बहिर्मुखी ना बनो, अंतर्मुखी बनो।